दोस्तों आईपीएल का समय है और लगभग लगभग लोग जो है सो ड्रीम इलेवन माई इलेवन सर्कल पे टीम बनाते हैं और टीम बनाते हैं तो बनाते हैं प्लस में दोस्तों वो उन यूट्यूबर का जो है सो वीडियो देखकर टीम बनाते हैं जो मतलब यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं कि इस प्लेयर को रखना होगा भूल। जैसे कि मान लीजिए आज अगर लखनऊ चेन्नई का मैच है तो किसी यूट्यूबर ने वीडियो बना दिया कि डेविन कनवे को रखना होगा भूल, डेविन कॉनवे को बिल्कुल भी भूल कर मत रखे या किसी गायकवाड़ को भूल कर मत रखे या इसको रखना होगा भूल, मतलब कि उसके अनुसार जो है सो आप उसका वीडियो देखते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। यानी कि कोई यूट्यूबर जो है सो आपको बोलता है कि इस तरह से फैंटेसी टीम बनाइए आप 100% करोड़पति बन जाएंगे, तो क्या आप भी ऐसे यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये जो बोल रहा है ये सच है? तो दोस्तों मैं खुलासा करने वाला हूँ उस यूट्यूबर का इस वीडियो। दोस्तों मैं हूँ पंकज कुमार, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माय एडवाइस में। दोस्तों मैं आपको बतलाऊंगा उन यूट्यूबर के बारे में कि जो मतलब वीडियो बनाते हैं और लिखते हैं कि इस प्लेयर को रखना होगा भूल या ऐसे फैंटेसी टीम बनाओ आप करोड़पति बन जाएंगे, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ कहने वाला हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आखिर क्या बोलने वाला हूँ। और साथ में मैं आपको टीम के बारे में बतलाऊंगा, ड्रीम इलेवन में टीम कैसे बनाना है या और ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मतलब कि ये नहीं कि मतलब पूरा का पूरा फोकस किसी और पे हो जाना है कि ऐसे टीम बनाओ और इसी को रखना हो गया है इसको भूल। तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का और बार नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए। ये वीडियो आपके लिए है, नॉलेजेबल वीडियो है दोस्तों। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको खुद लगेगा हाँ भाई बंदा जो है सो सही बोल रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुका हूँ, मैंने सीधे सीधे ड्रीम इलेवन को ओपन कर लिया है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों ड्रीम इलेवन को मैंने ओपन कर लिया, आपको नज़र आ रहा होगा। जैसा कि आज देख लीजिए यहाँ पे लखनऊ और चेन्नई का मैच है। जैसा कि मैंने बोला था कि दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब मतलब वीडियो बनाते हैं और वो थंबनेल पे लिखते हैं कि इस प्लेयर को रखना होगा भूल, इस प्लेयर को बिल्कुल भी ना रखें या ऐसा टीम बनाएं। तो दोस्तों मैं आपको सीधे सीधे कहना चाहूँगा कि देखिए कोई भी यूट्यूबर अगर आपको ये बोलता है कि मतलब कि मैं ऐसे टीम बना के दे देता हूँ आप 100% जीतेंगे या इस प्लेयर को मत रखिए इस प्लेयर को रखिए, तो दोस्तों उस पर कभी भी मत जाइए। उसका तो मैं कहूँगा उसका वीडियो ही मत देखिए, उस वीडियो को जो है सो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं या नॉट इंटरेस्टेड यानी उस वीडियो को नॉट इंटरेस्टेड में आप डाल सकते हैं, उसको जो है सो आपको रिपोर्ट करना ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों वो जो है सो आपको उल्लू बनाते हैं जो नए रहते हैं जिससे समझ नहीं रहता है कि ड्रीम इलेवन टीम मतलब जो बनाते हैं उसको मतलब जो बराबर बनाने लगता है उसको समझ में आ जाता है कि आखिर ड्रीम इलेवन क्या है। लेकिन दोस्तों कोई जो कहेगा कि मैं ऐसा टीम बना दूंगा या एस प्लेयर को मत रखो इसको रखो इसको रखो इसको रखो, तो भाई जो आपको बोल रहा है अगर उसमें इतना ही क्षमता है तो खुद क्यों नहीं वैसा टीम बना लेगा जो मतलब डेली बाय डेली वो जीते। और जब डेली बाय डेली जीत रहा है तो भाई प्रूफ दिखलाओ मतलब डेली बाय डेली। तो यहाँ पे दोस्तों सीधे सीधे समझ लीजिए आप, यहाँ पे 1 करोड़ प्लस आदमी जो है सो यहाँ पे कंटेस्ट ज्वाइन करता है, 1 करोड़ प्लस आदमी, तो सोच सकते हैं कि दोस्तों आपका नंबर कितना में होगा। 1 करोड़ प्लस तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं आपका नंबर है, तो उसमें से कोई एक जो नंबर वन पे है अभी तो मान लीजिए जिस दिन दो मैच होता है उसमें उस दिन पहले वाले को दो करोड़ और दूसरे वाले को 1 करोड़ मिलता है, और जिस दिन एक मैच होता है अब पहले वाले को 2 करोड़ और दूसरे तीसरे नंबर वाले को अब 1-1 करोड़ मिल रहा है। और हाँ दोस्तों अगर आप जीतते हैं यहाँ पे तो पैसा आपको 100% मिलेगा, 30% टैक्स काट के गवर्नमेंट का जो नियम है वो काट के आपको पैसा तो 100% मिलेगा, गारंटेड के साथ पैसा मिलेगा। लेकिन ये नहीं कि कोई आपको मतलब बोल रहा है कि ये टीम बनाइए ये टीम मैं दे रहा हूँ और आप इतना रुपया दीजिए या ये टीम बनाइए, आपने उसका वीडियो देखा सेम टीम बना दिया। तो आप सोच सकते हैं मान लीजिए कोई वीडियो बना रहा है, अगर कोई वीडियो बना रहा है वो मान लीजिए वो टीम आपको बता रहा है कि ऐसा टीम बनाइए, अगर आपके तरह और भी सोच रहा है वो ऐसा टीम बना लिया तो लगभग सोच सकते हैं कि सेम टीम हो जाएगा तो मान लीजिए प्राय तो बंटवारा हो जाएगा वहाँ पे, कभी भी संभव ही नहीं है कि मतलब आप नंबर वन पे आएंगे। और उसके अलावा आप इतना भी सोच सकते हैं कि कोई भी जो मतलब ये जो बनाता है मतलब पूर्वक बनाता है लोगों को कि मान लीजिए ये प्लेयर मत रखिए या ऐसा टीम बनाइए, तो मैंने सीधे सीधे मैं यही बोलना चाहता हूँ उन यूट्यूबर को कि भाई इतना जब क्षमता ही है इतना तुम्हें भविष्यवाणी पता है कि कौन प्लेयर आज चलने वाला है कौन प्लेयर आज इतना विकेट लेगा, तो खुद क्यों नहीं तो टीम बना लेता है वैसा और खुद करोड़पति क्यों नहीं बन जाता है एक दिन में? तो भाई सोच ही नहीं सकते, यहाँ पे ओनली पूरा आपका लक चलता है, टीम बनाइए। ये नहीं कि मतलब रोहित शर्मा या कोई बोलता है कि दिमाग लगाओ, ज़्यादा दिमाग है तो यहाँ पे ड्रीम इलेवन पे दिमाग लगाओ, तो यहाँ पे दिमाग लगाने में ना पागला जाओगे, यहाँ पे जो ड्रीम इलेवन पे दिमाग लगाओगे तो पगला जाओगे। तो यहाँ पे दिमाग नहीं, यहाँ पे देखो कौन प्लेयर खेल रहा है, टीम बनाते हो अच्छी बात है अगर आपके पास पैसा है तो, नहीं अगर ज़्यादा पैसा नहीं है पापा का या मम्मी का पैसा आप लुटा रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो चोरी छुपे, लेकिन अपना पैसा कुछ कमाए हो रहा है अगर इतना पैसा आप लगा सकते हो तो लगाओ। लेकिन यहाँ पे ये मत सोचो कि आज जैसे टीम बना दिया तो मतलब मेरा हो ही जाएगा, तो यहाँ पे ओनली फॉर लक है कौन प्लेयर कब चलेगा। विराट कोहली को मान लीजिए आपने आज कप्तान बना दिया, आज जैसे मान लीजिए लखनऊ और चेन्नई का मैच है
तो आपने यहाँ पे डेविन कॉनवे को कप्तान बना दिया। हो सकता है डेविन कॉनवे जीरो पे आउट हो जाए, क्या हो सकता है जीरो पे आउट हो जाए। मान लीजिए वाइस कैप्टन आपने बना दिया जो है सो इसको लखनऊ का, मान लीजिए जो केएल राहुल को बना दिया, हो सकता है केएल राहुल जीरो पे आउट हो जाए। अब ये भी हो सकता है कि वाइस कैप्टन आपने बना दिया तो हो सकता है वो ऐसा काम भी कर दे, ये नहीं कि जीरो पे आउट हो जाए, ऐसा काम भी कर दे। तो ये सीधे सीधे आपके लक के ऊपर निर्भर है। मतलब आपको कोई कुछ भी कहे कि ऐसा टीम बनाओ ऐसा टीम बनाओ, उसके झांसे में आपको बिल्कुल आना ही नहीं है। जी दोस्तों, उसके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको अपने हिसाब से यहाँ पे मतलब अनाउंस, जैसे ही प्लेयर हो जाता है, क्रॉस होता है तो अनाउंस होता है कौन प्लेयर खेल रहा है, ये पता चल जाता है। तो वहाँ पे आपको उस हिसाब से टीम बना लेना है और बाकी आप छोड़ दीजिए अपने लक पे, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, लक पे छोड़ दीजिए। तो सीधे सीधे समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताऊँ क्या टीम बना के क्या दिखलाऊँ। यहाँ पर टीम में तो आप सोच ही सकते हैं, पहले मतलब जो है सो एक मैक्सिमम 7 प्लेयर एक टीम का चुनना होता था, लेकिन आप तो जितना मन है तितना चुन सकते हैं। एक प्लेयर कम से कम एक टीम का होना चाहिए, तो आपको सब पता ही है। बस अपने हिसाब से टीम बनाइए, अपने लक पे रहिए, काम करते रहिए। हो सकता है कभी आपका लक हो, नसीब में हो तो मिल जाएगा, नहीं हो नहीं भी मिलेगा। बस इस वीडियो में मैं इतना ही बताने वाला था कि ये नहीं कि मतलब लखनऊ और चेन्नई का मैच है तो मैं उसका प्रेडिक्शन करने वाला था कि ऐसी टीम बनाओ ऐसी टीम बनाओ। मैं खास तौर पर खुलासा करने वाला था उन यूट्यूबर का जो मतलब वीडियो बनाते हैं, बुड़बक बनाते हैं लोगों को, जो ऐसा टीम बनाओ और ये प्लेयर रखो, ये प्लेयर रखो, ये प्लेयर रखो। तो इस वीडियो में मैं खास तौर पर ये वीडियो जो इसी के लिए बनाया था। तो भाई आपके लिए ये वीडियो था इसके लिए लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी सतर्क हो जाए। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो भाई एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, लाइक कर ही दो नहीं किए हो तो, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।